सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अपने फ़ोटो को परमानेंटली डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से, और हो सकता है एक महीना पहले डिलीट किया है, या फिर एक साल पहले डिलीट किए हैं, दो साल पहले डिलीट किए हैं, और अब आप वो फ़ोटो को वापस लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ़ोटो को वापस ला पाएंगे, और वो भी बिल्कुल ईजिली से ला पाएंगे, और मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, दो तरह का डिलीट होता है। जब आप अपने मोबाइल से फ़ोटो को डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में चला जाता है, और रिसाइकल बिन से भी आप जब डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो जो परमानेंटली आपने डिलीट कर दिया, उस फ़ोटो को मैं आपको वापस ला के दिखाऊँगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको गैलरी में सबसे पहले दिखा देता हूँ। जो मेरा रिसेंट रिसाइकल बिन है वो बिल्कुल खाली है, और जो डिलीट किया, जो परमानेंट डिलीट कर दिया, वो फ़ोटो आएगा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपना रिसाइकल बिन चेक करा देता हूँ। इसके लिए मैं अपने यहाँ से फ़ोटो गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से एल्बम में जाता हूँ, और एल्बम में जाने के बाद देखिए यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड है। जो फ़ोटो भी हम डिलीट करते हैं वो रिसेंटली डिलीटेड में आ जाता है। तो चलिए मैं एक बार आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, ये इस फाइल में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से एक फ़ोटो को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद चलिए मैंने इस फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप देख लीजिए, इसमें लिखा है मोबाइल को किसी ने छुआ तो बजेगा अलार्म। तो मैं इसे यहाँ से टच डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद देखिए ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो चलिए, ये देखिए रिसेंटली डिलीटेड में आ गया है। तो इस तरह से आप जब मोबाइल से कोई भी फ़ोटो वीडियो डिलीट करते हैं तो वो इस कॉलम में आ जाता है, और जब यहाँ से आप डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से भी इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिया, और इस तरह से ये हमारे मोबाइल से परमानेंटली डिलीट हो गया। लेकिन अब जो मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया फ़ोटो को, वो सब फ़ोटो मेरे मोबाइल से वापस आएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो रिकवर का ऑप्शन है, मैं फिर से पहले पेज पे आ गया हूँ। तो इसे यहाँ से टच कर लेता हूँ। टच करने के बाद यहाँ पे ऐड आएगा, हमें इसे कट कर लेना है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें ऐड आ रहा है। अगर आप पैसे देके प्रीमियम कर लेंगे तो आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए ये 805 रिकवर किया है फाइल फ़ोटो को, 805 फ़ोटो को इसने रिकवर किया है। और मैं इसे यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। व्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जितने भी फ़ोटो है इसने रिकवर कर दिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, 805 फ़ोटो जो मैंने सालों पहले डिलीट कर दिया था अपने मोबाइल से, वो सारे फ़ोटो को इसने रिकवर किया है। और इस तरह से जब आप अपने फ़ोटो को यहाँ से, अब जो भी फ़ोटो को आप अपने वापस गैलरी में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप इसे यहाँ से टच करके रखेंगे। तो चलिए, जैसे ये फ़ोटो है, जैसे ये फ़ोटो है, और इस फ़ोटो को मैं वापस गैलरी में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसे टच करके रखेंगे तो देखिए ये टिक मार्क हो गया है। इस तरह से जो जो फ़ोटो हमें गैलरी में चाहिए, यहाँ पे टच करेंगे और ये टिक हो जाएगा। इस तरह से जो भी फ़ोटो चाहेंगे ये टिक हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा है रिकवर का, मैं इसे यहाँ पर जैसे ही रिकवर करूँगा, ये सारे फ़ोटो मेरे गैलरी में चला जाएगा। तो चलिए मैं इसे यहाँ से रिकवर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से ऐड आया, और मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। और अब चलिए चल के देखते हैं गैलरी में वो फ़ोटो रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने फिर से फ़ोटो को यहाँ से ओपन करता हूँ, और रियरली यूज एल्बम में जाता हूँ, और देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो मैंने रिस्टोर किया था, ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया। मैंने पहले भी फ़ोटो रिस्टोर किया है, तो वो बहुत सारा फ़ोटो है, लेकिन जो मैंने अभी फ़ोटो किया था, देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में डिलीट हुए फ़ोटो को वापस ला सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं इसके लिए आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। इसके लिए हम अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे डिलीटेड फ़ोटो रिकवरी। तो देखिए मैंने पहले से सर्च कर रखा है, तो हम इसे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद देखिए सबसे जो ऊपर में ऐप आ रहा है, इसे हमें ओपन करना है। तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद ये पहले से इंस्टॉल है, तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए 4.3 की रेटिंग है, और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, और ये मात्र 4.6 MB की ऐप है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और देखिए इसमें क्या सेटिंग है। ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, और ये परमिशन मांग रहा है मैं मीडिया फ़ोटो का, तो मैं यहाँ से अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद सेम पहले जैसा ही इंटरफेस आएगा जो मैंने आपको बताया, यहाँ से ऐड आ रहा है, तो हम इसे कट कर लेते हैं।
और फिर से सेम वही फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट आएगा जो आप रिकवर करना चाहते हैं, यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यहाँ से एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इसे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा ख़राब जो भी लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो में और हम अच्छा इम्प्रूव कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।